फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ इन इंट्राडे टेक मुंबई, सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है एमबीए बीके सिंह के चैनल इंट्राडे टेक मुंबई। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सुबह सुबह दोस्तों, ताकि दिन भर का आपका जो टारगेट है सोमवार के लिए माइंड फिट कर लीजिए और 100% अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट, भारतीय स्टॉक मार्केट कभी भी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की जो कहानी सोमवार को होने वाली है, आज ही आप तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए है और उन इन्वेस्टर के लिए जिनका अडानी ग्रुप में नुकसान हुआ है दोस्तों। जी हाँ, जिस शेयरधारक का अडानी ग्रुप में नुकसान हुआ है, ये वीडियो देख सकते हैं, ये उनके लिए वीडियो हमने स्पेशल बनाया है दोस्तों। चलिए, आपको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान वे लोग देने जा रहे हैं जो देश की सेबी, देश के रिजर्व बैंक और देश की संसद और देश की सरकार वर्तमान में जो है वो आप सभी को दिलाने जा रहे हैं, जो खिलाफ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए जो आज संसद में हुआ, जो राज्यसभा में हुआ, ये सभी के सभी जो नहीं चलने देना चाहते हैं, जो बात ही नहीं करना चाहते हैं। मोदी तो निशाना है, क्योंकि अडानी मिल गया बहाना है। जी दोस्तों, इसको इस तरह कह सकते हैं, अडानी तो एकमात्र बहाना है और बीजेपी निशाना है। अरे चोरों के चोर सरदार, सरदार मतलब मुखिया, मुखिया का मतलब जो बैठ के अंधेरे में से छोड़ दिए हैं अपने कुत्तों को कि जाकर भौंको संसद में, जाकर भौंको संसद के बाहर, इसलिए कि इनको मसाला, अच्छा गरम मसाला नहीं मिल रहा था और ये गरम मसाला मिला नहीं है कुछ दोस्तों। आज वीडियो में सोमवार को कौन सा स्टॉक खरीदेंगे, कौन सा बेचेंगे जिनका अडानी ग्रुप में नुकसान हुआ, वो तो हम बताएंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ा आपको मैं बता दूं कि ये कितना बड़ा देश की जनता के साथ, देश के शेयर धारकों के साथ कौन किया है, आज इस वीडियो में बताएंगे, जब तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। और ये दिमाग की बत्ती को खोलना जरूरी है दोस्तों। भारत की जनता ने कह दिया है कि अडानी के कारण आज हम अपने नए घरों में हैं, अडानी के कारण आज बरसों से धुएं और लकड़ी और जो हमारी माता बहनें किचन में, रसोई घरों में सामना करती थी, उन धुओं का, उन धुओं से निजात दिलाने वाला अडानी ग्रुप ने, भारत की जनता ने कह दिया है, जो हम अंधेरे में रहते थे आज बिजली हमें मिल रही है और हम सभी भारतीयों का अडानी के लिए शुभकामना है और उनको शुभ आशीर्वाद भी है। ईश्वर उनको जल्दी से जल्दी इस अफवाह और ये जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए उनका भी पर्दाफाश हो जाए।
जनता ने कह दिया, जनता रूपी भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दे दिया अडानी ग्रुप को। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये होता है, हमको कुछ लोग तो गाली भी दे रहे होंगे मेरी बातों को सुनकर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये दलाल है, ये बीजेपी का दलाल है, कुछ लोग बोलते हैं ये बीजेपी का कंसल्टेंसी है, कुछ लोग बोलते हैं ये मोदी का भक्त है, कुछ लोग बोलते हैं अरे कहने वाले कहते रहो, जा ही कृपा राम की होई तू क्या करे। ये उनके लिए था जो इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों। अरे ये प्लानिंग दोस्तों सोची समझी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के वर्तमान जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, उन सभी पे पाबंदी लग जाए, क्योंकि चोरों को कंट्रैक्ट कंसल्टेंसी और कंट्रैक्ट नहीं मिला दोस्तों, चोरों को नहीं मिला, साधु को मिल गया, तो इनको अब पेट में तो दर्द होगा ही होगा। दूसरी तरफ आप समझदार हैं, हमारे देश की जितनी भी युवा पूरी पीढ़ी है हमारे समपक्ष, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं और शेयर मार्केट्स के जो भी जुड़े हुए चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनका चैनल चलता है, जो आते रहते हैं बताते रहते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। अरे उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो संसद के बाहर आकर भाषण देते हैं, उन पब्लिक को, उन जनता को बताना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी और फ्री का जो सामान लेना चाहते हैं, उनके नुमाइंदे ये साले गंवार नेता सिर्फ वोट लेने के लिए, और कुछ ऐसे भी हमारे देश के लोग भी हैं जो फ्री सब्सिडी को सुनकर खुश होते हैं, इसलिए कि उनका दिमाग में बैठा हो दोस्तों, कुछ नहीं सुनना चाहते, उनका दिमाग में बैठा हो कुछ भी नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। अरे वो सब्सिडी और फ्री लेने वाले और देश के शेयर धारकों के बारे में सोचने वाले कोई भी पार्टी हो, जो आज बात कर रहा है कि देश का पैसा लूट गया, देश का पैसा चला गया, तुम्हारा कितना गया पैसा, और देश का पैसा बैंक कैसे डूब जाएगा हमको बताओ, देश का पैसा कैसे डूब जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा कैसे डूब जाएगा, LIC का पैसा कैसे डूब जाएगा। और तुम लोग, मुझे ये भी पता चला है कि सोमवार से LIC और ये सब बैंकों के बाहर बहुत बड़ी लाइन, और ये बाहर के लोग सोमवार को बैंकों के बाहर, LIC के बाहर, बाहर से बुलाए गए आतंकवादियों लुटेरों को बैंक के बाहर ये प्रदर्शन और खड़ा करने वाले हैं, और इसके सबसे बड़े जो लीडर है, सभी नेताओं को उनका संरक्षण बुलाए गए हैं, वो कोई भी शेयरधारक नहीं है, कोई उसमें खाताधारी नहीं है, और ये सभी मिलकर सिर्फ और सिर्फ देश को, लोगों को जो हकीकत मालूम नहीं है उनको बताना चाहते हैं, और ये उसी तरह करना चाहते हैं जब कोरोना टाइम में सरकार काम कर रही थी, ये सिर्फ बेकार के बैठ के घरों में ट्विटर खेल रहे थे, ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक खेलने वाले, और अडानी और अंबानी और वर्तमान सरकार पर ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब खेलने वाले ये वीडियो जरूर देखें। और जनता, भारत की जनता पूछ रही है उन चोरों से कि ये बताओ कि अडानी ने जो पैसा बैंकों से लिया है वो पैसा
अपने घर के किस तिजोरी में रखा है, कहाँ पे रखा है। विदेशों से जो पैसा लिया है वो बैंकों से, वो अडानी ने पैसा किस विदेशी शहर में अपना तिजोरी बनाकर पैसा रखा है, पूछना चाहती है भारत की जनता। और वो जनता जो एबीसीडी ने जानती है स्टॉक मार्केट में, एबीसीडी ने जानती है कि ये शेयर मार्केट क्या होता है और ये अर्थशास्त्र क्या होता है, वो तो जानती है। सिर्फ हमको जो करेगा, मेरा घर में बिजली दिया, मेरे घर में गैस दिया, मेरे घर में छत दिया, जो कभी नहीं सोच सकते, उसका आशीर्वाद तो लगना ही लगना है। और ये भी एक आम जिसको कि कुछ भी पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, एक परिवार दोस्तों में 100% जो बात मैं बोल रहा हूँ, यही पूरे देश के लोग यही बोलेंगे, जिनको देश के ऐसे सरकार को और ऐसे इंडस्ट्रीज को जन्म दिया भारत की धरती पे, वो पूछना चाहती है। हमारे से तो लोग छोड़ दीजिए, पूछने वाले पूछ ही रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, अरे चोरों जो चिल्ला रहे हैं आजकल, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, कुत्ते की तरह संसद के बाहर भौंकने वाले नेता, भारत की जनता क्या कह रही है सुन ले। अडानी का पैसा कहाँ लगा है, कहाँ गया वो पैसा, बैंकों से लिया तो, लोन लिया तो, सड़कों में, ओवरब्रिज में, ट्रेन के पटरियों बिछाने में, ट्रेन के बोगी बनाने में, और गैस फ्री में देने के लिए, फ्री में घर देने के लिए, फ्री में शौचालय देने के लिए, फ्री में बिजली देने के लिए, वहाँ पे जहाँ वर्षों से कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई गया ही नहीं था, वो यही कर रहा है। आज जो बात कर रहे हो चोरों और चोरों के लीडर्स सरदार संसद भवन के बाहर, अरे तुम लोगों की माँ ने जो जन्म दिया होगा वो भी आज कहती होगी क्यों इन कमीनों को जन्म दिया, क्योंकि ये नेता बनकर सिर्फ और सिर्फ हमारी जन्म दिया हुआ ये सब नाम खराब कर रहे हैं। आज माँ भी कहती होगी जो सच्चाई को जानते हुए उसके बेटे सुनती होगी, देखती होगी, तो कहती होगी इस नालायक को हमने क्यों जन्म दिया, इस नालायक को क्यों जन्म दिया जो ये अपने मुंह से झूठी झूठी बातें, जो ये जानता है कि सच्चाई क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। अरे चोरों मोदी से दुश्मनी कर रहे हो, मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हारे 7 जन्मों में, उन चोरों को कहते हैं दोस्तों जो संसद भवन के बाहर आकर बकबक कर रहे हैं, अरे वो चोरों मोदी के जैसा तुम्हारे 7 पुश्तों में न तो कोई होगा और न ही आने वाली 70 वर्षों में कोई आने वाला होगा। समझ लिया अच्छी तरह मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्त, और तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी नेता जो संसद भवन के बाहर जो देख रहा बोल रहा है, नाम अगले वीडियो में नाम भी लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन बोल रहा है और उसकी कुंडली क्या है, वो क्या करता था जो संसद भवन के बाहर जो आकर आज वो नेतागिरी कर रहा है, वो उसकी कुंडली लिस्ट बना रहे हैं हम, और नाम के साथ उसकी कुंडली उजागर करेंगे कि ये करता क्या था आज संसद बनने से पहले, आज वो विधायक बनने से पहले ये सब क्या थे, और आज जो जनता उनके बारे में क्या कह रही है, आपको पूरा चिट्ठा तैयार है दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखिएगा इसके बाद जो आएगा। चलिए स्टॉक मार्केट में सोमवार को दोस्तों, सोमवार को अडानी पोर्ट और अडानी बिल मार खरीदो और इंतजार करो 2 साल अडानी पोर्ट में और अडानी बिल मार में
बाकी इन सब की जो भी बकबक कर रहे हैं ना, ये सारे कचड़े के डब्बे में जाने वाला है। और हिंडनबर्ग का जो हाल होने वाला है, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के उन लोगों को जो अपनी कुर्सी के खातिर अपने माँ को बदनाम करने के लिए, माँ का मतलब देश राष्ट्र को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उन मेरा मुंह खराब हो रहा दोस्तों, और माँ भी गाली देती होगी कि हमने क्यों इसको पैदा किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।